हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विलेज बिजनेस आइडिया में। आज हमारी विजिट है एक बटेर फार्म का, जिसका नाम है पीआरएस बटेर फार्म, ग्राम लाला मौना, पोस्ट तरार, थाना दाऊ नगर, जिला औरंगाबाद, स्टेट बिहार। और इस फार्म के मैनेजर जो रख रखाव देखभाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनका नाम है मनोज कुमार। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये फार्म कब से कितनी लागत से शुरू किए हैं। मैं पहले भी इनका फार्म का विजिट किया हूँ। आज का टॉपिक है बटेर का बच्चे को शुरू में 1 से 10-15 दिन तक कैसे रख रखाव किया जाता है, शुरू में किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आज मुख्य रूप से इसी बात पर फोकस करने वाले हैं। चूजे को शुरू में ही अच्छा से रख रखाव किया जाता है ताकि इसका मोर्टिलिटी मृत्यु दर ना हो या कम हो। तो आइए आगे की बातचीत इस फार्म के मैनेजर मनोज सर से जानते हैं। सर, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल विलेज बिजनेस आइडिया में। हाँ सर, नमस्ते। सर, आप फार्म कब से शुरू किए हैं? फार्म तो सर 2 साल से हम लोग चला रहे हैं। शुरुआत में कितना चूजा से शुरू किए थे? फर्स्ट में तो सर हम लोग 500 पीस लाए थे और आज का डेट में आप देख रहे हैं सर। आज इस फार्म में कितना बटेर है? आज इस फार्म में बटेर आपका बच्चा 1500 और बड़ा वाला 1000 है। इस बटेर के चूजा को आपको फार्म में आए कितना दिन हुआ? ये चूजा को सर हमारे पास 3 दिन पहले आया है और 3 दिन पहले ये 5 दिन का बच्चा वो हेचरी में रह कर आया है। शुरू में इसे कितना टेम्परेचर में रखा जाता है? 30 टेम्परेचर में रखा जाता है सर जी इसको। कितना दिन में इसका वजन का हो जाता है? ये 30 दिन में इसका वजन 150 ग्राम रहता है सर जी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना वजन बढ़ती है इसका? सर 1 साल इसको रखेंगे तब ये 250 से 300 ग्राम तक होगा सर। ये वजन के हिसाब से बिकती है, पीस के हिसाब से? ये सर बच्चा भी पीस के हिसाब से मिलता है और बड़ा वाला भी पीस के हिसाब से सर बिकता है। एक पीस का क्या दाम है अभी बेचने के लायक होने पर? 60 रुपया का एक पीस बिकता है सर बड़ा। इसमें कौन कौन सी बीमारी या परेशानी आती है? इसमें बटेर में मेरा कोई सा भी बीमारी नहीं है सर। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल फ्री है और दूसरा नंबर की ये शुगर फ्री है। इसका खाने में कौन सी दाना देते हैं? इसका पोल्ट्री फार्म का दाना आता है प्री स्टार्टर, वही दाना सर ये लोग के 5 दिन इसी पेपर पे सर ये लोग खाएगा, उसके बाद सर इसको देंगे डब्बा में। शुरू से अंत तक एक ही टाइप का दाना देते हैं या अलग अलग देते हैं? शुरू से एक ही टाइप चलता है सर इसका दाना। एक दिन से लेकर बेचने तक एक वर्ड पर क्या खर्च पड़ती है? एक वर्ड पर क्या खर्च पड़ती है सर? इसका सर 18 रुपया का बच्चा मेरे पास आता है और इसका 18 रुपया का भोजन, 18 से 20 रुपया भोजन, ये बाकी दवा दारू इसमें सर नहीं चलता है। जो नए फार्मर ये काम करना चाहते हैं इनको अपने तरफ से क्या सुझाव देंगे? हमारे तरफ से उनको रहेगा कि रिक्वेस्ट की वो दुकान खोले और मार्केट में इसका जमाए मार्केटिंग जी, और लास्ट में ना हो तो फिर हम है उनको माल खपत करवाएंगे। जी सर, आपको इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है जी जी, जो मतलब कि उनको सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं? जी बिल्कुल, मार्केटिंग जी बिल्कुल। और पूछना चाहता हूँ सर, इसका मार्केटिंग कैसे किया जाता है, आप इसको कहाँ कहाँ बेचते हैं? ये सर हमारे पास से तो अभी लोकल में ही बहुत लोग ले जाते हैं और ऐसे मुर्गा दुकान वाले, कटर दुकान वाले यहाँ से लेकर जाते हैं सर। जी सर, तो जो नए लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं करूँगा तो कहाँ बेचूँगा, इस पर आप क्या सुझाव देंगे? हाँ सर, देखिए ये नया नया चीज़ है, जापानी बटेर है सर जी। इसको आपको पहले पाल के मार्केट में उतारना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा, तभी लोग देखेंगे, तब इसका मार्केट पकड़ेगा सर जी। ऐसा ना हो कि हम इसको पाल के और चुपचाप इसको घर में रख के आराम करें।
थोड़ा कुछ प्रचार इसका भी थोड़ा करना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल, नहीं कीजिएगा तो सर लोग जानेंगे कैसे, और नहीं जानेंगे तो बिकेगा कैसे। जो लोग आपके पास चूजा या बटेर का अंडा लेना चाहेंगे उन्हें आप उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल सर जी, आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि मेरे व्यूअर आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें। मोबाइल नंबर है 70611 55216। जी, बटेर का मांस या मीट की खासियत क्या है? ये बटेर का मांस में खासियत सर मैंने आपको बताया पहले कि इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसमें आप शुगर फ्री है, कितना भी मतलब कि बुढ़ापा भी आ जाए और इसको खाए उनको पचने में दिक्कत नहीं होगा सर। जी, मतलब एक तरह से मैंने स्वास्थ्य के लिए बहुत। जी जी, ऐसे सर इसमें बच्चा लोग के नमूनिया वगैरह हो जाता है उसमें सर, अंडा हमारे पास बहुत दूर दूर से सर आते हैं ले जाने के लिए। एक अंडा के कितना प्राइस दाम में देते हैं? इसका एक अंडा कीमत होता है सर 5 रुपया, ऐसे थोक में हम 4 रुपया देते हैं। जी, 5 रुपया आप जी खुदरा? जी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपका ये फार्म स्टार्ट किए तो कितना लागत लगा होगा उस समय बनाने में? उस समय तो सर हम लोग का यहाँ नहीं था, यहाँ तो हम लोग सर जी लीज पर लेकर बनाए हैं। अच्छा, और जमीन जो आप लीज पर लिए हैं? जी जी, और हम लोग का पहले अंदर था, छोटा मोटा ही दुकान था, वहाँ से कस्टमर हम लोग के बढ़ते गए, उसके बाद हम लोग को बड़ा दुकान करने पड़ा। तो ये जमीन आप लीज पर लेकर अपना व्यवसाय शुरू किए? जी सर, यहाँ का हम मैनेजर हुए। जी, आप यहाँ का मैनेजर हैं? जी सर, मैंने आपको पहले भी बताया था यूट्यूब में मेरा लोड है, उसमें मैंने भी सर बताया कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, पूरा देख रेख मेरी जिम्मेदारी है। तो जी, आप इसे फार्म में कितने आदमी आप लोग काम कर रहे हैं? और अभी तो 5 आदमी हैं सर। जी, तो सबका ड्यूटी अलग अलग है या सेम है? नहीं सर, सब आदमी का अलग अलग ड्यूटी है। जी, जो अभी मैं चीजा देख रहा हूँ जो पार्टीशन में रखे हुए हैं आप? जी जी, बॉक्स के अंदर? जी जी। ये कितने दिन तक इसके अंदर रहेगा ये चीजा? ये चूजा सर मेरा इसमें करीब करीब 6 दिन रहेगा सर। जी, 6 दिन के बाद सर निकाल के ठीक आपको बगल में ही इसको डालूंगा। जी, उसके बाद सर ये जब 20 दिन का हो जाएगा तो बाहर निकाल दूंगा सर जी, बाहर एक बना हुआ है सेट उसमें डाल दूंगा, लेकिन इसमें से 6 दिन के बाद निकाल दूंगा सर जी, क्योंकि 2 दिन हो चुका। अच्छा सर, मैं पूछना चाहता हूँ ये जो चूजा है आप खुद यहीं पे निकालते हैं कहीं और दूसरे जगह से लाते हैं? नहीं सर, अभी तो हम लोग मंगवाते हैं दूसरे जगह से, और हम लोग का हेचरी का भी सर ऑर्डर किया हुआ है, 1-1.5 महीना के अंदर में सर हम लोग का भी हेचरी आ जाएगा सर जी, जो खुद आप यहीं पे जी जी से बच्चा निकालना शुरू। जी सर, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साहब का प्लान है कि यहाँ पे हेचरी का खुद उपलब्ध कराएंगे और यहीं पे बटेर का जो व्यवसाय है यहीं से शुरू करेंगे अंडे से बच्चा निकालने के लिए। तो सर आप कितना मतलब 1 महीने के अंदर में वो हेचरी का शुरुआत कर देंगे? जी सर, 1 महीना के बाद हेचरी आ जाएगा सर, और अभी तो मेरा 18 रुपये आता है बच्चा, और लोग को सर 18 रुपये ही देता हूँ, लेकिन हेचरी आ जाएगा उसके बाद सर मैं 1-2 रुपये ऐसे सर कम कर दूँगा, क्यों हो जाएगा अपना अंडा हो जाएगा। तो सर इसका अभी दाना में क्या अभी कौन सा दाना भी ये लोग यूज करता है बटेर का जो बच्चा है? ये सब दाना सर प्रिय स्टार्टर दाना को सर चाल देते हैं हम लोग, और चाल के ठीक 5 दिन इसी प्रकार पेपर पर सर भोजन करता है ये। अच्छा, 5 दिन तक? जी, 5 दिन के बाद सर डब्बा में इसको दे देंगे भोजन पानी। सर आपने अपना बेशकीमती समय देकर हमारे व्यूअर्स को बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अंत में मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो आपको पास जरूर पहुँचे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।